उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने एक और मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ से जुड़े संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू युवा वाहिनी ने कुशीनगर और महाराजगंज जिलों की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस संगठन की स्थापना योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में 2002 में हुई थी। गोरखपुर से पार्टी सांसद और पूर्वांचल के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थक बीजेपी से काफी नाराज हैं। खबरों के मुताबिक हिंदू युवा वाहिनी अब बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी उतारेगी। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी का कहना है कि बीजेपी ने उनके संस्थापक गोरक्षा मंदिर के परम पूजनीय संत का अपमान किया है। ऐसे में वह यूपी की 64 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि प्रदेश के लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हों, लेकिन पार्टी ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा योगी को कई कमेटियों, यहां तक कि स्टार प्रचारकों में भी नहीं रखा गया है। सुनील ने कहा कि आदित्यनाथ ने बीजेपी से 10 प्रत्याशियों की सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट दी है। बीजेपी में लगातार योगी आदित्यनाथ का अपमान किया जा रहा है। तो अपने संत के अपमान से नाराज युवा वाहिनी अब बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। हालांकि इस मामले पर अभी तक योगी आदित्यनाथ का कोई बयान सामने नहीं आया है। देखते रहिए डीवी लाइव।